हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रोइंग प्रोफेशनल। मैं हूं आशीष और आज के स्टूडियो में हम एक बहुत ही ज्यादा बर्निंग क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है क्या बैंकिंग और फाइनेंस करियर के लिए एमबीए करना हेल्पफुल है या एमबीए करना जरूरी है। माय डियर फ्रेंड, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन मेरे से काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कॉमेंट सेक्शन के अंदर, डीएम्स के अंदर, कॉल्स पे, मैसेजेस पे। आज इस टॉपिक को हम पूरा ब्रेक डाउन करेंगे और दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे कि किन सिचुएशन में आपको एमबीए करने से बेनिफिट होगा और किन सिचुएशन में आपको एमबीए करने का कोई फायदा नहीं है। तो हम पूरा का पूरा दोनों ही पर्सपेक्टिव समझेंगे, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि क्या एमबीए आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है या नहीं। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज कमेंट करके बताओ कि क्या आप सीरियसली एमबीए को कंसिडर कर रहे हो। आंसर येस और नो में दीजिए, और साथ ही साथ इट विल बी वेरी हेल्पफुल अगर आप रीजन में लिखिए कि क्यों आप एमबीए कंसिडर कर रहे हो या क्यों एमबीए कंसिडर नहीं कर रहे हो। अब हम बढ़ते हैं पार्ट वन की तरफ, जिसपे हम बात करेंगे कि एमबीए करना कैसे हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहला जो बेनिफिट होता है, मेजर जो बेनिफिट है, वो है करियर एडवांसमेंट। अगर आप एमबीए करके जाते हो तो आपको हायर लेवल ऑफ पोजीशंस मिलती हैं। आप लीडरशिप रोल्स के अंदर जाते हो, ऑब्वियसली वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हायर होती हैं, और जो बेस्ट पार्ट होता है वो होता है आपके जो सैलरी पैकेजेस है ना, वो स्टार्टिंग से ही बेटर लग जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिना एमबीए के जाओगे तो 5 साल बाद जिस पैकेज पे आप पहुंचते वो आप एमबीए के बाद डायरेक्टली उस पैकेज पे जॉब स्टार्ट करते हो। एमबीए करने का जो सेकंड बेनिफिट होता है वो होता है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। माय डियर फ्रेंड, एमबीए कॉलेज सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होता, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, ना सिर्फ अपने बैचमेट्स के साथ बल्कि जो एल्यूमिनाई नेटवर्क होता है उस कॉलेज का, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है अच्छी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज पाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी टॉप कॉलेज से एमबीए करते हो तो वहां के जो सीनियर बैच के लोग थे, जो आज की डेट में किसी कंपनी के प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है या सीईओज है, वो काफी प्रेफर करते हैं कि अपने कॉलेज से ही हायरिंग करें। अपने कॉलेज के पर्सन को वो लोग प्रेफर करते हैं, एलुमनाई दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो वो जो नेटवर्क आपको मिल जाता है ना, वो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अनलॉक कर देता है, ना सिर्फ शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी बहुत ज्यादा ये चीज हेल्पफुल होती है। थर्ड और बहुत इसेंशियल पार्ट ऑफ एमबीए, आपका स्किल डेवलपमेंट। अगर आप एमबीए करते हो तो आपका एनालिटिकल स्किल, आपकी फाइनेंशियल एनालिसिस की एबिलिटी, आपका इंटरेक्शन, आपका कम्युनिकेशन, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें करते हो, प्रोजेक्ट्स करते हो, टीम में काम करते हो, प्रेजेंटेशंस देते हो, आप केस स्टडीज करते हो एमबीए के अंदर, तो आपका जो बिजनेस एक्यूमेन है वो भी डेवलप होता है, आपकी टीम वर्क एबिलिटी डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप होती है, तो अल्टीमेटली आपका बहुत ही सॉलिड स्किल डेवलपमेंट होता है जो आपको लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में करियर के अंदर काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये तो थे 3 बेनिफिट्स एमबीए करने के। अब करते हैं स्विच और अंडरस्टैंड करते हैं कि एमबीए करना क्यों हेल्पफुल नहीं होगा। सबसे पहली चीज तो आती है भाई कॉस्ट। एमबीए आज की डेट में बहुत ज्यादा महंगी है। अगर आप किसी लोकल कॉलेज से कर रहे हो तो उस एमबीए का बहुत ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं होता। उस एमबीए को करके जो आपको जॉब मिलेगी वो आपको ग्रेजुएशन के बेस पे भी मिल सकती है, तो वो एमबीए बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होती है। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो, अगर आपको डिग्री चाहिए हायरार्की में अप करने के लिए, तो लोकल कॉलेजेस की एमबीए इज गुड इनफ, राइट। अगर आप प्रेस्टिजियस कॉलेज से एमबीए करते हो तो उसकी जो फीस है वो ना सिर्फ लाखों में जाती है, लेकिन कुछ कुछ इंस्टीट्यूट की जो फीस है जो करोड़ों में है। माय डियर फ्रेंड्स, वेरी कॉस्टली, डोंट माइंड, बट अगर आप इतनी ज्यादा हाई फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आई सजेस्ट कि एमबीए आप मत करो। बेटर आप अपनी एक एंट्री लेवल जॉब स्टार्ट करो, लर्निंग लो, और 5-7 साल में आप उसी लेवल पे पहुंच जाओगे। तो आरओआई के पॉइंट ऑफ व्यू से एमबीए काफी बार जो है वो हेल्पफुल नहीं होती। दूसरा पॉइंट जो पहले पॉइंट से लिंक है, एक्सपीरियंस मैटर। माय डियर फ्रेंड, अगर आप एंट्री लेवल जॉब जैसे कि रिलेशनशिप मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव, इस टाइप की जॉब प्रोफाइल से अपना करियर अगर स्टार्ट करते हो, राइट, तो आप 4-5 साल के बाद एटलीस्ट उन्हीं लेवल्स पे पहुंच जाते हो जो एमबीए करके बंदा फ्रेशर आएगा। सो आपका एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है इन लॉन्ग टर्म इंस्टेड ऑफ एन एमबीए। सो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखो, अपने एक्सपीरियंस गेन पे फोकस करो अगर आप बहुत ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है ऑल्टरनेटिव पाथवेज। जरूरी नहीं है कि एमबीए के बाद ही आपको हाई पे और बहुत ही पर्टिकुलर जॉब्स लग सकती हैं। आप ऑल्टरनेट पाथ भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप वेल्थ मैनेजमेंट पे जाना चाहते हो या रिस्क एनालिसिस में जाना चाहते हो, तो आपके लिए जो सर्टिफिकेशंस हैं जैसे कि सीएफए हो गया, एफआरएम हो गया, ये आपको ज्यादा हेल्प करेंगे कंपेयर टू एमबीए, राइट। ये स्पेशलाइज कोर्स आप कंसिडर करो, इनकी फीस भी कम होती है, ड्यूरेशन भी कम होती है, और आप पर्टिकुलरली उस फील्ड में जाते हो जहां आप जाना चाहते हो। मैंने दोनों ही पर्सपेक्टिव दे दिए हैं, प्रोज क्या है एमबीए के, कॉन्सेस क्या है, तो आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी कि आपके लिए क्या सही है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कॉमेंट करके बताओ कि क्या आपको लगता है कि आपके लिए एमबीए हेल्पफुल होने वाली है या नहीं। वीडियो से कुछ क्लैरिटी हुई, वीडियो से कुछ हेल्प हुई, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो,
चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करो। अगर आप एंट्री लेवल पोजीशंस के ऊपर अपना करियर बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर के अंदर बनाना चाहते हो, जैसे रिलेशनशिप मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, फोन बैंकिंग ऑफिसर, इसके लिए आपको MBA नहीं चाहिए, इसके लिए आप कर सकते हो हमारा एक कोर्स जिसका नाम है PFSI प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। ये जो है 3 मंथ्स का लाइव कोर्स होने वाला है और इस कोर्स के बाद हम आपको 3 इंटरव्यूज की गारंटी दे रहे हैं, यानी कि आपको मिल रहा है 100% जॉब अश्योरेंस। इस कोर्स के अंदर हर वीकेंड पे आपकी लाइव क्लासेस होंगी जिसके अंदर मैं और मेरे साथ एक्सपर्ट बैंकर्स आपको हेल्प करेंगे बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्रीज के अंदर एक्सपर्ट नॉलेज गेन करने के लिए। सारे के सारे हम आपको रिसोर्सेज शेयर करने वाले हैं, पूरी आपकी हैंड होल्डिंग करने वाले हैं। इस कोर्स के बारे में आपको ज्यादा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी, जाइए इस वीडियो को चेकआउट कीजिए। डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर लिंक है, उस फॉर्म को फिल कीजिए, एप्लीकेशन फ्री है, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको ज्यादा डिटेल्स शेयर करेगी। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।